आए तो हम लोग अभी मुंबई से चल के गुजरात की सरजमीन पे पहुंच गए हैं। हम लोग जो है अजमेर जा रहे हैं। मेरे साथ में शाहान अली है और इफ्तिखार भाई नहीं आए हैं, किसी वजह से वो नहीं आ पाए साथ में। हम लोग अभी उदयपुर से कुछ लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले एक होटल पे खड़े हैं। ढाबे का नाम है होटल महादेव और काफ़ी ठंडी है यहाँ पर। पहुँच चुके हैं हम लोग अजमेर और कार पार्किंग नज़दीक वाली नहीं मिली, एक कार पार्किंग और मिली है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी। हम लोग दरगाह शरीफ के लिए निकल गए हैं और रास्ते में हैं, अभी मार्केट में चल रहे हैं। होटल थोड़ा सा दूरी पर है यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, उर्स है और उर्स में जल्दी होटल वगैरह मिलते नहीं हैं, तो इसके लिए हमें दूर मिला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दरगाह रोड पे मार्केट जो है वहाँ पर होटल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो उधर में हम लोग नाश्ता करेंगे। अच्छा, ठंडी है, ठंडी का लुक। ये मछली को हम लोग दाना डाल रहे हैं और आप देखो कैसे मछली खाएगी।
सागर है यहाँ पर, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कासे में कर लिया था। सिर्फ इतने से कासा था उनके पास और उसमें पूरा ये सागर समा गया। अभी थोड़ी देर में आप देखना ये कितना बड़ा सागर है और जो इतने से कासे में आ गया, ये करामत थी, ये मौजज़ा था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का। हम लोग का प्लान है दरगाह पे जाने का, वस्ता गरीब कलान होगा, चिल्ला मुबारक है, वहाँ जाने का हम लोग का प्लानिंग है। देखो इंशाल्लाह रश तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह पैर रखने जगह नहीं है, क्योंकि जाहिर इतना बड़ा मेला ख्वाजा गरीब नवाज की चिश्ती शरीफ है, 810वां उर्स है, तो जाहिर है लोगों की तादाद तो आधा घंटा लगेगा खुलने के लिए। सलाम वगैरह पढ़ लिया गया और सारी चीज़ें हो गई है। अभी हम लोग जो है खाना खाने के लिए न्यू जन्नत होटल में बैठे हैं अजमेर दरगाह में, जो कि दरगाह रोड पर ही है, और इंशाल्लाह कल सुबह हम लोग यहाँ से जो है चेकआउट कर लेंगे और देखते हैं इंशाल्लाह, अगर वक्त मिला और सेहत भी साथ दी तो हम लोग कल जाएँगे सलवर शरीफ भी, और अगर वहाँ जाते हो तो वहाँ का भी दरगाह की ज़्यारत इंशाल्लाह कर हो जाएगी।